मंगलवार को रेलवे स्टेशन रोड मुसाफिर खाना में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन हज यात्रियों को मक्का मदीना के अंदर इबादत और तौर तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी हज यात्रियों को बीमारी से बचाव के लिए मेनिनजाइटिस का टीका भी लगाया गया। 450 हज यात्रियों ने प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लिया, जिसमें 225 महिलाएं भी उपस्थित रहीं। सभी हज यात्रियों को रवानगी से पहले टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए ऑडिशनल CMO डॉक्टर SK पांडे, सुपरवाइजर शकील अहमद, सुपरवाइजर KK श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट ओम प्रकाश मिश्रा, फार्मासिस्ट ज्ञान प्रकाश भारती सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य सदस्यों ने हज यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद दिमागी बुखार और मक्का मदीना की लोकल बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए खादिम M शहाबुद्दीन ने कहा, एक छोटा सा कट्टा और चाहिए, फिर हमारे आगे किसी पे डाल दे, किसी पे डाल दे, लगभग नहीं बाहर नहीं खुलेगा, फिर खुलेगा नहीं, किसी पे ऊपर रखा जाएगा, तो जस्ट अभी नीचे फिर मेरे दोस्त ना फेंक लेंगे। अब वहाँ से फिर आप सीधे जाएंगे, आपको मता मिलेगा, सामने खाने ताबा होगा, नजर नीचे जाएगी, तलबिया पढ़ते रहिएगा। अभी आप जिन में भी अरब में भी तलबिया पढ़ते रहेंगे आप। अब तलबिया पढ़ने के बाद जब खाने ताबा के सामने नजर पड़ेंगे और वहाँ दुआ सबके लिए दुआ मांगिए और उम्मत के लिए स्वस्थ है अल्लाह पाक उम्मतियों आने वाले उम्मतियों को उनकी गुनाह और इत्तेहाद पैदा कर आने वाले अब आप सहन में आप सहन ग्रीन बत्ती कहाँ पर लगी, अब देखिए जैसे जहाँ ग्रीन बत्ती लगी है वो लेफ्ट अब आपके वो लगी हुई है और आपने नियत कर लिया, अब आप आ गए इस पूरे साइड पे जो ग्रीन बत्ती, अब आप पहला करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर करके हाथ छोड़ दें, अब बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर करके वाली लाइन हम करके आप ठीक है। इजाज़ भाई कुर्ता उतार के कंधा खोल दें, आपने किसी भी उंगली में पहन लिया, अब आप ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, अब आप पहला तवाफ करने जा रहे हैं, नियत बता दिए सर? हाँ नियत बता दिए। अच्छा सुनिए, सोचते हुए चलेंगे पहला एक चक्कर के आप करते हुए इधर से आप चले पहला चक्कर है या पाए यहाँ से अपना अपना सोते हुए आए, अब आपका ये एक चक्कर हो गया, फिर यहाँ पे बिस्मिल्लाह अल्लाह का बैठे हुए सुनते हुए अब आपने दूसरा गाना सुन क्या करना है, अकड़िए अकड़िए आपने क्या करते चलना है, हाथ पहलवान की तरह चलना है एकदम, और ऐसा ना करिए कि दूसरे को चोट लगे, ये लगे क्या पकड़ के चलना है बेटा, यहाँ हर बेमानी पे अपना अपना ये सब करते हुए अब ये आपका चार चक्र मुकम्मल हो गया, आप बेटा कीजिए ना, वो आप तवाफ करते वक्त ना देखेंगे सिर्फ सलाम करते हुए, अब आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर मकान निकलने में आसानी हो जाए, अब ये
देखिए हज जो है ना ये बहुत ही टिपिकल है और इसमें बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार, क्योंकि हज एक बार फ़र्ज होती है, तो इसमें बहुत से लोग नमाज हम तो रोज़ाना पांच वक्त पढ़ते हैं उसके लिए मालूम रहता है। तो हज को करने में, एक तो विदेश जाके करने में, पहली बात तो हम सारे प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं 450 के लगभग हज यात्री गोरखपुर जनपद के, उनको हम बताते हैं हल्का फुल्का कि उस देश के कानून व्यवस्था के बारे में, वहाँ चलने उठने बैठने और के बारे में। दूसरी तरफ दूसरा पार्ट हमारा ये होता है कि हम उनको धार्मिक बातों को भी बताएं। तो चूंकि ज़िंदगी में एक ही बार इनको करना पड़ता है, इसलिए आज जो हम लोग जो आखिरी दिन ये कर रहे हैं, तीसरा दिन है कि खाने काबा जो काला साहब चकोर हिस्सा देखते हैं वो अल्लाह का घर कहलाता है, उसके चारों तरफ चक्कर कैसे लगाएं और किस ड्रेस में, यानी दो कपड़े में हम लगाते हैं। ये देखिए हिंदू मुस्लिम सब में है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं दो कपड़ा पहनते हैं, रंग फर्क हो सकता है, हमारा सफ़ेद होता है, किसी का गेरुआ होता है, किसी का येलो होता है। तो ये सफ़ेद दो कपड़ा किस तरह पहनेंगे, इसके पहनाने की भी स्टाइल है, क्योंकि आम कपड़े की तरह होता नहीं, ये सरकता रहता है, उसके बारे में बताया। और उसके बाद कैसे मस्जिद हरम यानी खाने काबा के पास आएंगे और क्या नियत करेंगे, मतलब मोटे तौर पर हम आपको नियत बता देते हैं। ऐ ईश्वर, हम आपके इस खाने काबा यानी घर का चक्कर लगाने जा रहे हैं, आप उम्रे का चक्कर है, आप इसे कबूल कर लीजिए और आसान बना दीजिए। आसानी के इसलिए दुआ करते हैं कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोगों को खड़ा होना मुश्किल होता है, तो खड़ा होने से पहले तीन नियत करना होता है कि अल्लाह हमें आसान कर दीजिए, उसके बाद चक्कर, चक्कर के दौरान में क्या दुआएं पढ़ें वो भी हम बताते हैं कि क्या करें। चक्कर के दौरान आपकी निगाह कहाँ रहेगी वो बताते हैं, चक्कर समाप्त हो गया प्रत्येक चक्कर पे क्या कर देंगे इसको भी बताते हैं, चक्कर समाप्त होने पर किस तरह बाहर आके फिर नमाज पढ़ें उसके बारे में बताते हैं। आप लोगों ने जमजम का शब्द सुना होगा, ये एक पानी है, लेकिन हज़रत इस्माइल जो मेरे नबी थे उनके ठोकर से निकला हुआ पानी, हज़रत जिब्रील के ठोकर से निकला हुआ पानी, उसको किस तरह पियेंगे। आम पानी की हिदायत है कि आप बैठ के पीजिए, लेकिन जमजम के लिए हिदायत है कि आप खड़े होकर पिए और तीन घोट में पिए। इन सब चीज़ों को, बातों को बताने के लिए हम प्रशिक्षण दिले। अहम बात यह होती है कि जब दूसरे मुल्क में जाना होता है तो उसके जाब्ते भी हैं कि कोई टीका वैक्सीन लगवा के आइए, उसका भी आज इंतज़ाम है। सीएमओ गोरखपुर ने डिप्टी सीएमओ साहब को भेजा है और 450 के लगभग यात्रियों को आज औरतों मर्द मिला के, यानी 250 के लगभग मर्द हैं और बाकी औरतें हैं, यानी 50-50%, तो उनको मेनिंगोकल मेनिंडाइटिस का टीका यानी पीले बुखार का टीका लगा के भेजा जाता है, और ये रवानगी से 10 से 12 दिन के पहले लग जाना चाहिए। तो ठीक है, वो यूपी के लोगों की फ़्लाइट जो है 14 तारीख से शुरू हो रही है, यानी 12 दिन के बाद शुरू हो जाएगी, और गोरखपुर का नंबर देखिए 16 है 17 है, जब भी आवे तो वो टीकाकरण हो रहा है। और ओरल पोलियो का भी इस, ये देखिए ये कार्ड भेजा है हज कमेटी ऑफ इंडिया, इसी पर उनको सर्टिफिकेट देना है और ये लगवा के जाएंगे तभी इनको एरोड्रम पर एंट्री दी जाएगी जाने की। अगर लगवा के नहीं जाते हैं, यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं जो देख रहे हैं उनसे बता दें, अगर यहाँ पे नहीं लगाए हैं तो ये टीकाकरण हज कमेटी का जो दफ्तर है लखनऊ में या बनारस, दो जा रहे हैं यूपी के लोग, वहाँ पे ये टीका मिल जाएगा, वहाँ से लगवा के ही इनको सर्टिफिकेट के साथ ही जाने देंगे, तब वो सऊदी अरबिया में दाखिला यानी प्रवेश का परमिट करेंगे।